दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं हूं जहांगीर, मेरे साथ हैं हमजा, जहाजेब, और आप देख रहे हैं चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। सारे सुस्त हुए पड़े हैं, मेरे पता नहीं क्या बोलते नहीं है कुछ। मैं अपना नाम लिया, मेरे साथ हैं, मैंने कह दिया कि इनको बोलना चाहिए था, लेकिन ये बोलते ही नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं, सोचते रहते हैं। गाइस, आज हम सलमान खान और ड्वेन जॉनसन, द रॉक के जो है ना कंपैरिजन करने वाले हैं। द रॉक की न्यू मूवी आई है, जैसे कि जुमांजी, द नेक्स्ट जुमांजी, और उधर से सल्लू भाई की आने वाली है दबंग 3। कब आई? बहुत दबंग 3 दिसंबर में आ रही है 23 को। हुड़ हुड़ दबंग। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो में, चैनी से इंतजार कर रहा हूं मैं दबंग का, हुड़ हुड़ करने के लिए। तो चलते हैं, सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। वैसे मुझे लगता है कि मैंने दबंग 2 नहीं देखी हुई। देखी हुई है, इनका लिंक दिया टॉप पे, द रॉक वर्सेस सलमान खान। सलमान खान वर्सेस रॉक, दोनों टॉप के बंदे हैं। फुल नेम अच्छा जी, जैसे सलमान खान का फुल नेम सलमान सलीम खान होगा। अच्छा, अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान, डोगले जॉनसन बर्थडे, अब्दुल राशिद सलीम 1972 1965। अच्छा, छोटा है रॉक 1972 से 7 को बर्थडे बड़े लगते हैं ना वैसे रॉक बर्थडे। सब बड़ी ज्यादा नहीं पड़ सकता, कैलिफोर्निया और पैदा वही सब इंदौर। इयर्स आज पहली बार पता लगा। इयर्स एक्टिव 1990 प्रेजेंट 1988 एंड प्रेजेंट। ओके माय सेंटर में एक्टिंग स्टार्ट की होगी और उन्होंने फाइटिंग स्टार्ट की होगी। ओ हाइट 6.4 है यार। इन्होंने ज्यादा पैसा कमाया होगा, रॉक की बड़ी हाइट है। हां, पैसा किन्होंने ज्यादा कमाया होगा रेसलिंग, अभी सब कुछ पता लग जाएगा। वेट 118 किलो, 88 के जो बड़ा फर्क है यार। वो ले भी था ना, वो है ना, क्या कहते हैं फाइटर जो हुआ वही बहुत ज्यादा बियॉन्ड। रॉक के 2 साल सम्मान हार गए थे टोटल मूवीज 35 78। नेक्स्ट लेवल आ चुकी है, मैंने डाउनलोडिंग पे लगा दी। दबंग 3 आने वाली है। राधे राधे, ओके राधे, ये राधे वांटेड का सीक्वल आई थी। राधे तो उसमें भी गाते थे ना, जमा खान की मूवी थी अवार्ड, जिसमें ट्रेन गाड़ी पे टक्कर मारते थे। 74 and 21 इसमें यार है मतलब कि 320 मिलियन, नेट वर्थ 320 मिलियन यूएस डॉलर। ओ 315 मिलियन यूएस डॉलर भर गया। पहले गिनती करो कि नहीं ये छोटी वीडियो थी, काफी अच्छी वीडियो थी। ट्विटर पे बहुत कम है उनके, और इंस्टाग्राम पे अचानक ही छक्का मार दिया। छक्का नहीं मारा, इसे 10 कहते हैं, 10 मार दिया। जैसे होता है ना, दूसरी होती है 6-6 ओवर वाला मैच होता है। ऐसी बात है, रॉक भी तो छोटे एक्टर थोड़ी है, वो दुनिया में भाई रॉक को लोग एक्टिंग से ज्यादा रेसलर के तौर पर पहचानते हैं। लोग उनकी फाइट बड़ी पसंद करते थे, और आप आजकल बहुत कम आते हैं। और मैं आपको सही बताऊं तो मेरे फेवरेट जिसे कहते हैं ना रेसलर, वो रॉक थे एक टाइम पर। क्योंकि सबसे पहले मेरा फेवरेट एक्टर जो रेसलर था वो था हिटमैन। ठीक है, नहीं, जब हिटमैन चला गया था ना,
उसके बाद मेरा फेवरेट जो हुआ था वो था रॉक, रॉक का दौर था, बड़ा जबरदस्त था, ठीक है, और मुझे बड़ा अच्छा था वो बंदा। नहीं नहीं चीटिंग वाला बंदा नहीं था ना, इसलिए अच्छा लगता है, ठीक है। लोगों की पसंद तो वैसे और भी होती है, अंडरटेकर बड़े लोगों को पसंद है, ब्रॉक लेसनर आजकल सारी दुनिया को बड़ा पसंद है, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों जो है ना चीटर नहीं है इतना, लेकिन ताकतवर है, लेकिन घमंडी किस्म का इंसान है बड़ा, गुस्सेल आकड़ उतनी केस चीज भी आकड़े होते हैं। ब्रो ब्रो लेस्टर जो है यूएफसी में मैंने उसकी फाइट देखी है, वहां कुछ भी नहीं है। अब बस कर दे भाई, बस कर दे, और खुदा का नाम ले भाई, मैंने खुद देखा कई दफा, ओ भाई हारा है लेकिन उसने अपनी वहां पे धाक बिठाई है, चैंपियन बना है यूएफसी में जाके, बड़ी कमाल किस्म की उसने फाइटिंग की है। हां जी, उसके अलावा हम ब्रॉक लेसनर पहुंच गए, हम यहां से बहुत ज्यादा दूर पहुंच गए, इसलिए रॉक जो है ना वो मुझे तब से पसंद है। फिर रॉक की फिल्म्स आई, वो जो दी मम्मी में आया, ठीक है, वो जो मिस्री मूवीज में आया था ना, एक में ना वो मकड़ी बना हुआ था, ठीक है, हाँ, और दूसरी में उसने फिर जो है ना वो मेन रोल किया हुआ था, ये फास्ट एंड फ्यूरियस की, मुझे जबरदस्त है, फास्ट एंड फ्यूरियस की जो इन्होंने लाइन लगाई है वो बहुत अच्छी है, बड़ी कमाल की है, फास्ट एंड फ्यूरियस सारी, फास्ट एंड फ्यूरियस में तो वैसे ही आजकल आपको पता है उसका नाम चल रहा है, पार्ट हर पार्ट में होता है, ठीक है, तो इसलिए जो है ना रॉक की एक पहचान है हर जगह, आप जब भी देखें रॉक की मूवीज भी लोग पसंद करते हैं, ट्रेंड है, मैं भी उसी मूवी का देखने को बेताब, जुमांजी ये देखना चाहते हैं, लेकिन जुमांजी जब तक अच्छा प्रिंट नहीं आएगा मैं नहीं देखूंगा, मैंने इनको कहा है, लेकिन मैं जैसी होगी वैसी देखूंगा, और उसके क्योंकि वो मूवीज ऐसी होती है जब तक वो HD प्रिंट वाली ना हो तो मजा नहीं आता। सो गाइस इसके अलावा हम जाएंगे सुन लो भाई की बात करेंगे, जो मेरे फेवरेट हैं, मेरे हॉट फेवरेट, सबसे ज्यादा पसंदीदा एक्टर, मैं उनको पहला नंबर हमेशा देता हूँ सलमान खान को, ठीक है, और सल्लू भाई की जो है ना, सारे खानों की मूवीज बड़ी लेट आती हैं, नहीं नहीं अब आमिर खान की ज्यादा लेट आती है, बाकी सल्लू भाई और सल्लू भाई यार अभी तो क्या हो गया है, ज्यादातर आमिर खान की लेट आती है, उनकी अगली आखिरी है वैसे पता नहीं, अभी तो आई थी अगले साल, कौन सी आई थी हिंदुस्तान, वो रिसेंटली थी 18 की थी, हां तो 18 में कहां आई थी, हां स्टार्टिंग में आई थी मेरे ख्याल से, 18 की स्टार्टिंग, फिर भी फेल हुई थी ना, कौन सी फेल, पैसे निकाल गई थी, हां बरल उनके उनकी जो है ना वो लेवल की नहीं थी, ठीक है, और एक तो लोगों के दिमाग में एक बात बैठी हुई थी कि उसकी, अभी सल्लू भाई की बात करें, मेरे बेग थे ठीक है, तो सल्लू भाई जो है हमारे, अच्छा इनकी जो भारत मूवी थी वो कैसी गई थी बोला, ठीक है, नॉर्मल थी ना, कलेक्शन अच्छी कर गई है मेरे ख्याल में, पैसे पूरे कर गई है, ठीक है, और सलमान भाई की जो है ना अगर मूवीज की बात की जाए और उनके शोज की बात की जाए तो मुझे उनका शो 10 कदम बहुत पसंद था, तो बिग बॉस और बिग बॉस उनका शो अब आ ही रहा है, ठीक है, और उसके तो सीजन के वो तो वैसे ही जो ब्रांड है सल्लू भाई, ठीक है, एक शो लेकिन कितने वैसे हाँ पता नहीं मुझे नहीं पता अब याद नहीं है, लेकिन जो शायद अपने कितने लोगों को 10 कदम याद होगा वो उन दिनों में जो है ना शाहरुख खान का एक शो आता होता था बच्चों के साथ 5 करोड़ वाला भी नहीं क्या का, वो आता था कलर्स पे, ठीक है, ये कलर्स पे या पता नहीं स्टार प्लस पे, करोड़पति हाँ वो, और वो जो है ना अमिताभ बच्चन भाई का जो है उनका आता था कौन बताया करोड़पति, और शाहरुख खान का दूसरा था, और इसी तरह फिर क्या कहते हैं हमारे सलमान भाई ने एक शुरू किया था 10 कदम, और 10 कदम ने बड़ा कमाल किया था सारी दुनिया को, कितने प्रतिशत भारतीय स्कूल जाते हैं, ओह वाओ, और पास नंबर चल रहे होते थे टक 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 टक, वो वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग, वो परसेंटेज होती थी, मुझे अभी याद आ रही है, परसेंटेज के अंदर आपने बताना है 30%, 50%, 70%, 100%, 90% इस तरह पैसे आपके पास आते जाएंगे, जैसे वो है करोड़पति वाली गेम, हाँ जो अमिताभ बच्चन करते हैं जैसे, तो अगर आप 10 करोड़ तक पहुंच गए तो ठीक, आपके पास फैसला होता है, आपने 3 करोड़ बना लिए हैं, अगर आप गेम वहीं पे छोड़ना चाहते हैं तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, अगर आगे जाना चाहते हैं, लेके भी गया कोई, बड़े ले गया भाई, बड़े ले गया पैसे, तो वो बड़ा मजा आता था, और इसी तरह फिर दबंग आ गई, दबंग के बाद मूवीज की बात करें तो दबंग आ गई, ठीक है, एक था मेरे ख्याल में एक उनके भी जो है ना कैरियर के अंदर थोड़ा सा मुश्किल दौर आया, ठीक है, उस मुश्किल दौर के बाद फिर उनकी जो है ना एक वांटेड मूवी ने मुझे लगता है इनको सहारा दिया था, और वांटेड मूवी के बाद वो दोबारा से ऊपर आए, फिर दबंग आई, फिर रेड्डी, और फिर तो चल सो चल है, वो बजरंगी भाई,
बजरंगी भाई का, टाइगर जिंदा है, फिर तो नाम ही चल रहा है सल्लू भाई का, जिस मूवी पे हाथ रख देते हैं वो हाथ रखने के ऊपर मूवी कामयाब हो जाती है। सो गाइस वीडियो बड़ी जबरदस्त थी, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आप जरूर बताना है। जहाँ इस पे आप सीखेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड कीप वाचिंग पाकिस्तान।